हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शंकर और आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जिस विषय में बात करूंगा वो है व्हाट्सएप। तो व्हाट्सएप नाम से आप सभी परिचित हैं। तो व्हाट्सएप जो दोस्त यूज़ करते हो वो लोग नहीं जानते हो कुछ कुछ सेटिंग्स, और जो लोग अभी तक व्हाट्सएप नहीं यूज़ कर रहे हो तो वो भी लोग आज आप लोगों को मैं दिखाऊंगा व्हाट्सएप कैसे इंस्टॉल करना है, उसका कुछ कुछ सेटिंग्स, और व्हाट्सएप का डीपी कैसे लगाना है, उसका टैगलाइन कैसे देना है, और कुछ कुछ सेटिंग्स में आज आप लोगों को दिखाऊंगा। तो इसलिए वीडियो को स्किप मत करिए, तो वीडियो को फर्स्ट से लास्ट तक देखते रहिए। और हमारे चैनल पर जो लोग पहली बार देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको जरूर हिट कर लीजिए, क्योंकि ऐसे नॉलेजेबल और अर्निंग से रिलेटेड अपडेट आपको मिलता रहेगा इस चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, आज आप लोगों को दिखाते हैं कैसे व्हाट्सएप फ़ोन में इंस्टॉल करके उसको यूज़ करना है और जो दोस्त के साथ चैटिंग कैसे करना है। तो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा आप लोग कैसे अपना फ़ोन में अपना जो व्हाट्सएप है आप व्हाट्सएप खोल सकते हो। तो व्हाट्सएप खोलने के लिए जो जो क्राइटेरिया है वो दिखाऊंगा। तो पहले आपको प्ले स्टोर में जाना पड़ेगा। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको ऊपर में जो सर्च बार है वहाँ पर लिखना पड़ेगा व्हाट्सएप, WHATSAPP। व्हाट्सएप लिखने के बाद आपको यहाँ पर व्हाट्सएप सर्च करना होगा। सर्च करने से ऐसा व्हाट्सएप मैसेंजर आपको सामने आएगा, तो इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो मैंने इंस्टॉल किया है इसलिए ओपन आ रहा है, तो आप इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद आपको फिर से ओपन कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर व्हाट्सएप अभी ओपन कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं दूंगा मैं आप एक ही मोबाइल से कैसे दो व्हाट्सएप खोल सकते हो, यही मैं आज नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तो इसके बाद आपको एग्री एंड कंटिन्यू जो नीचे ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक करना होगा। ओपन करने के बाद एग्री एंड कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आपका जो फ़ोन नंबर है आप यूज़ करते हो फ़ोन नंबर आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। तो ऊपर में इंडिया कंट्री दिया हुआ है और सामने जो कोड है +91 वो भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको जो आपका फ़ोन नंबर यहाँ पर डाल दो। डालने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट में जो क्लिक करना होगा, नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद आपके सामने पूछेगा आपका नंबर या ठीक है या गलत है। अगर गलत गलत है तो एडिट कर सकते हो, लेफ्ट में एडिट है, और अगर ठीक है तो ओके में क्लिक करो। ओके में क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। तो आपके जो मोबाइल नंबर आप दिए हो उस मोबाइल नंबर में आपका 6 डिजिट का एक OTP आएगा। आप SMS भी ले सकते हो या कॉल भी ले सकते हो, वहाँ पर दोनों ऑप्शन आपको मिल जाता है। रिसेंट SMS, अगर SMS OTP नहीं गया तो रिसेंट SMS में क्लिक करो। अगर कॉल लेना चाहते हो नीचे कॉल में जो ऑप्शन है वहाँ पर क्लिक करो, तो आपको कॉल करके वो लोग OTP आपको दे देगा, 6 डिजिट का OTP। और OTP अगर नहीं गया तो रिसेंट SMS में क्लिक करो तो OTP आ जाएगा। तो OTP आ गया मेरा, OTP मैंने दे दिया, ऑटोमेटिक रिफ्रेश वेरीफाइंग हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू करना होता है। अगर आपका फाइल आप गूगल ड्राइव में रिस्टोर करना चाहते हो या बैकअप लेना चाहते हो तो इसलिए इसको कंटिन्यू करना चाहते हो। अगर बैकअप नहीं लेना चाहते हो तो नॉट नाउ में क्लिक करो। तो मैंने कंटिन्यू किया, इसके बाद अलाउ करना है। आपको दो ऑप्शन आएगा, दो ऑप्शन में अलाउ करना है। अलाउ करने के बाद आपके सामने आप जो आपका प्रोफाइल नेम रखना चाहते हो तो यहाँ पर रख सकते हो। मैंने मेरा नाम यहाँ पर रख दिया, तो आप आपका जो प्रोफाइल नेम रखना चाहते हो रख सकते हो। उसके बाद नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन है, ओवर क्लिक करो। कंटिन्यू ऑप्शन में क्लिक करने के बाद थोड़ा आपको टाइम लेगा यहाँ पर, क्योंकि वो आपको जो फ़ोन नंबर आपका जो गूगल ड्राइव है उसको वेरीफाई कर रहा है, तो इसलिए थोड़ा टाइम यहाँ पर लगता है। तो इसके लिए कुछ देर आपको यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। तो वेरीफाई हो जाने के बाद आपको सामने जो नेक्स्ट पेज है आपका व्हाट्सएप आपके सामने खुल जाएगा। तो थोड़ा आपको वेट यहाँ पर करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो डाटा है सब डाटा आपका जो गूगल ड्राइव है जीमेल का गूगल ड्राइव, वो गूगल ड्राइव में ऑटोमेटिकली बैकअप ले लेगा। और जब भी आप नया फोन में आपका यही नंबर से अगर व्हाट्सएप खोलोगे तो बैकअप ले लोगे तो वो आ जाएगा। तो देखो व्हाट्सएप मेरे सामने खुल गया। तो उसके बाद क्या करना है, मैंने यहाँ पर मेरा जो प्रोफाइल पिक्चर है प्रोफाइल पिक्चर मुझे लगाना है, तो उसलिए ऊपर में जो 3 डॉट है वहाँ पर क्लिक करो। उसके बाद सेटिंग्स में क्लिक करना होगा आपको। क्लिक करने के बाद आपको जो यहाँ पर फोटो का एक सिंबल हो उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर कैमरे का जो पिक्चर है यहाँ पर क्लिक करो, उस पर गैलरी में क्लिक करो। गैलरी में क्लिक करने के बाद आपको जो प्रोफाइल पिक्चर आपको लगाना है उस प्रोफाइल पिक्चर में आपको क्लिक करना होगा।
प्रोफाइल पिक्चर में क्लिक करने के बाद इसको डन कर दो। तो देखो प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पर आ जाएगा, देखो प्रोफाइल पिक्चर सेट हो गया। तो उसके बाद यहाँ पर अबाउट जो ऑप्शन है, अबाउट में आप कुछ भी आपका लिख सकते हो टैग नाम। तो मैंने यहाँ पर टैग नाम मुझे चेंज करना है, तो यहाँ पर राइट साइड में जो पेन का ऑप्शन यहाँ पर क्लिक करो। करने के बाद यहाँ पर आप जो टैग लाइन आप देना चाहते हो टैग लाइन यहाँ पर लिख सकते हो। मैं टैग लाइन दे दिया। उसके बाद यहाँ पर नीचे सेव का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर क्लिक करना है। तो अपडेट हो गया, देखो मैंने जो टैग लाइन दिया है वो आ गया। तो देखो मेरा प्रोफाइल पिक्चर, मेरा नेम, मेरा टैग लाइन, सब कुछ आ गया। तो ये हो गया। अब चैट कैसे करना है, तो स्टार्ट ए चैट नीचे एक ऑप्शन मिलता है, दाईं तरफ एक ग्रीन सिग्नल मिलता है, वहाँ पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर आपका जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है, कॉन्टैक्ट लिस्ट पूरा यहाँ पर आ जाएगा। तो आप जिसके साथ आप चैट करना चाहते हो उसके ऊपर क्लिक करो, करके उसको मैसेज ड्रॉप कर दो, हाई या हेलो। तो उससे आपको जो मैसेज, उसके पास आपका मैसेज चला जाएगा। तो ऐसे ही आपको जो व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप आपको फ़ोन में यूज़। तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो अगर पसंद आई तभी वीडियो को लाइक करना और फ्रेंड के साथ शेयर करना। और मेरी चैनल पे अगर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और पास में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर हिट कर लेना, क्योंकि ऐसे नॉलेजेबल और अर्निंग से रिलेटेड वीडियो आपको मिलता रहेगा इस चैनल पर। और अगर मेरे फेसबुक या इंस्टाग्राम से जोड़ना चाहते हो तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसमें जाके लिंक में जाके पेज को फॉलो कर दो, आपको वहाँ पर भी आपको जो नया नया अपडेट है आपको अपडेट मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं और कोई नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए।